दोस्तों स्वागत है आप सभी को देखा मिकी एक और नई फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गॉड हैंड अपने एंड्रॉइड वर्सन कैसे ओपन करना है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था गॉड ऑफ वार 2 अपने एंड्रॉइड वर्सन में ओपन करवाया था आपकी में, तो फाइनली आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गॉड हैंड। दोस्तों गॉड हैंड गेम भी हम डेमन पेस्टो एमुलेटर से ही ऑन करेंगे। अगर आपके पास डेमन पेस्टो एमुलेटर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और बायोस वगैरह इसके सेलेक्ट कर लीजिए। बायोस सेलेक्ट करना नहीं आ रहा हो आपको तो आप उस वीडियो पीछे वाली वीडियो को भी देख कर अपनी बायो सेलेक्ट कर सकते हैं और डेमन पेस्टो एमुलेटर को भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कैसे सब कुछ करना है और गॉड हैंड कैसे ओपन करना है। दोस्तों मेरे फ़ोन की इतनी अच्छी रैम नहीं है जिससे कि मेरे फ़ोन में ये थोड़ा हैंग करके ओपन होगा, लेकिन फाइनली बहुत ही अच्छा चलेगा आपके में। अगर 2 GB आपके में रैम है तो फाइनली आपके में अच्छा खासा वर्क करेगा ये गेम। तो फाइनली यार कैसे इंस्टॉल कैसे क्या करना है आपको, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों इस गेम की लिंक मिल जाती है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको 4 लिंक मिलेगी। पहली लिंक इस गेम की होगी गॉड हैंड की और दूसरी लिंक होगी हमारे डेमन पेस्टो एमुलेटर की। उसके बाद आपको बायोस की लिंक मिलेगी, उसके बाद जेरन चीवर सॉफ्टवेयर की। तो फाइनली यार सभी चीज़ को डाउनलोड करके जेरन चीवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। और इसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अपने डाउनलोड में भी चला जाना जहाँ पर अपने इन गेम को रखा हुआ हो। तो मैं अपने डाउनलोड में आ जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको डेमन पेस्टो एमुलेटर वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है, आपको उसे अपने इंटरनल डिवाइस में इंस्टॉल कर लेनी है। और दोस्तों आपको अपना नेट भी बंद कर देना, नेट की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है अभी। तो हमारी एप्लीकेशन को आपको उसे डन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी PS2 BIOS वाली फाइल पे क्लिक करना है, आपको उसे वीप कर लेना है और आपको ये फोल्डर दिखाई दे रहा है आपको उसे प्रेस कर लेना है, आपको उसे कॉपी कर लेना है। उसके बाद ऊपर से सिलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपने डेमन PS2 वाली एप्लीकेशन इंस्टॉल की हो उसी डिवाइस में यहाँ से चलाना। मैंने इंटरनल में किया, मैं इंटरनल में आ जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपके डेमन PS2 वाला एक फोल्डर बनकर आया हुआ, तो आपको उसके अंदर चला जाना है। यहाँ पर आपको PS2 BIOS वाली फाइल पेस्ट कर देनी है। मैंने पहले से ही पेस्ट कर रखा है तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये फोल्डर बनकर नहीं आ जा हो तो एक बार डेमन PS2 एमुलेटर जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है उसे ओपन कर लीजिए। उसके बाद ये फोल्डर आपका आ जाएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको अपने फिर से डाउनलोड में चला जाना है और अपने गॉड हैंड वाली जो जिप फाइल है आपको उसे एक्सट्रैक्ट कर देना है। ये 100% को आपको उसे ऐसे होने देना का। दोस्तों हमारी फाइल यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, आप यहाँ देख सकते हैं एक गॉड हैंड IO से निकल कर है, एक HTML फाइल निकल कर। तो हमारी मेन फाइल है गॉड हैंड की। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बैक हो जाइए और अपनी
जो आपका डमन पेस्ट एमुलेटर है उसको ओपन कर लीजिए और अपनी बायस भी सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर बायस सिलेक्ट मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, उसी तरीके से करिए, बस आपको ध्यान से देखना। बायस पे क्लिक कीजिए, यहाँ ओके कर दीजिए, बायस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जहाँ पर भी आपके बायस है इंटरनल में, तो यहाँ इंटरनल सेलेक्ट कर लीजिए और अपने फोल्डर में चलाइए जहाँ पर जो आपका डमन पेस्ट वाला फोल्डर बनकर आए, तो उसके अंदर चले जाइए और पी एस टू बायस में चले जाइए, यहाँ पर चेक मार्क लगा दीजिए। इसके बाद आप गेम्स में आ जाइए और गेम्स में आपने जहाँ पर भी अपना गेम रखा हुआ इंटरनल में या एसडी कार्ड में, उसी डिवाइस में चले जाइए। एसडी करके रखा हुआ तो मैं इंटरनल में, मैंने अपने डाउनलोड में रखा हुआ है तो मैं अपने डाउनलोड में जाकर उसे ओपन कर लेता हूँ। तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों अभी शुरुआत में मेरा ज़्यादा अच्छा खासा रैम नहीं है, इसलिए मेरे में ये एक ही बार में ओपन नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगा। तो फाइनली यार आप देख सकते हो अभी ये गेम ओपन हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वार्निंग दे रहा है क्योंकि मेरी डिवाइस के लिए ये सपोर्ट नहीं है। तो फाइनली आप देख सकते हैं गेम हमारा ओपन हो चुका है दोस्तों। मेरे में ये काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा हल्के हल्के करके, ये अभी ओपन होगा धीमे धीमे करके, बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है, मेरे में ज़्यादा खास वर्क नहीं कर रहा है। आई होप कि आपके में अच्छा ही काम करेगा ये गेम। तो दोस्तों अगर आपकी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए इस चैनल को, और साथ ही प्रेस करिए बेल आइकन को, जिससे कि हम जब भी आपके लिए कोई न्यू वीडियो लाएँ उसकी नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गेम हमारा ओपन हो चुका है फुल तरीके से। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.